प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम लौह कुश की जन्मभूमि श्री महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का दर्शन करेंगे, जो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर शहर के बिठूर क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। लौह कुश का जन्म कहाँ हुआ, सीता जी पाताल में कैसे और कहाँ समाई, इसका रहस्य बरकरार तो जरूर है, लेकिन यूपी का एक जिला ऐसा है जो इन सारे सवालों का जवाब ही नहीं सबूत भी दे रहा है। अब इन सबूतों में कहाँ तक सच्चाई है ये बताने वाला तो यहाँ फिलहाल कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम की। लौह कुश की जन्मस्थली कहे जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सभी सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। माँ सीता की रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है, जो मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लौह कुश के साथ है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 8 लाख साल पहले माँ सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लौह कुश का जन्म हुआ था। लौह कुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वहीं राम जानकी मंदिर में लौह कुश के बाण आज भी रखे हुए हैं।
भगवान राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। इसके बाद राम भक्त हनुमान यहाँ घोड़ा छुड़ाने के लिए आए थे। लव कुश से युद्ध में वह परास्त हो गए और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था। आज भी यहाँ वह स्थल बना हुआ है जहाँ पर श्री हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद घोड़ा छुड़ाने पहुँचे लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बना लिया गया था। इस आश्रम में आने के बाद ही माँ सीता को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यहाँ स्थित सीता मंदिर में उनकी एक मूर्ति है जिसमें माँ सीता कुश को गोद में लिए हुए हैं और लव की उंगली पकड़ी हुई है। इस वाल्मीकि आश्रम में आज भी रामायण का पाठ रोजाना किया जाता है। भगवान राम और श्री कृष्ण को धरती पर आए भले ही लाखों साल बीत गए हों, लेकिन धरती पर सतयुग की सीढ़ियां आज भी मौजूद हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि ये सीढ़ियाँ सीधे स्वर्ग तक ले जाती हैं। यहीं पर बैठकर श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यह आश्रम काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों को स्वर्ग जाने की सीढ़ी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे सरग नसेनी भी कहते हैं। बताया जाता है कि इस आश्रम की आखिरी सीढ़ी से पूरे बिठूर का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। जब भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ दिया था तो वो भटकती हुई यहाँ पहुँची थीं। यहीं पर उनकी मुलाकात वाल्मीकि जी से हुई थी। उसके बाद वो उन्हें बिठूर के इस आश्रम में लेकर आए थे। यहाँ पर 65 सीढ़ियाँ और 7 फेरे बने हुए हैं। पहले यहाँ दीपक जलाकर रखा जाता था, जिन्हें दीप मालिका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की सीढ़ियों को नाना पेशवा ने बनवाया था। इसके बगल में एक घंटा भी लगा है। कहा जाता है कि जब इस घंटे को बजाया जाता है तो तात्या टोपे को पता चल जाता था कि उन्हें बुलाया जा रहा है।
यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में 3 मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर खुद श्री महर्षि वाल्मीकि जी का है, जिसमें उनकी प्रतिमा है। वे पदासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और दाएं हाथ में लेखनी लिए हुए हैं। यहीं पर रहकर उन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हीं के पास भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, जहां भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए मुद्रा में हैं। श्री हनुमान जी और श्री लक्ष्मण जी की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला था कि जिन लौह कुश से वे युद्ध कर रहे हैं, वे उनके ही पुत्र हैं। माता सीता से राम जी की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। बताया जाता है कि यहीं पर सीता जी पाताल में समाई थी, जब भगवान श्री राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वो धरती में समा गई। यह स्थान भी यहाँ मौजूद है। सुबह शाम इस स्थल पर पूजा की जाती है। यहाँ आज भी है रामयुग का पेड़ और कुआं। वह कुआं जिससे सीता जी पानी का उपयोग करती थी, आज भी मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। इसके अलावा लौह कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे, वह भी यहाँ मौजूद है। गंगा नदी के किनारे बसे इस स्थान पर एक और माँ सीता की रसोई भी बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थीं। उस समय उपयोग किए गए बर्तन भी माँ सीता की रसोई में मौजूद है। पुजारी जी ने बताया कि लौह कुश यहीं पर गंगा में स्नान करते थे और यहीं पर बाण चलाना और घुड़सवारी आदि भी सीखी थी। प्रिय दर्शकों, कितना दिव्य और दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। मन को कितनी शांति का एहसास हुआ। आप भी यहाँ आए और इस दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करें।
प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।